नमस्कार साथियों, मैं सलमान शेख, झावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नगर की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बाहर। जैसा कि आपको पता है कि शासन प्रशासन गरीबों की हित के लिए कई बातें करती है, लेकिन ये बैंक अधिकारियों की तानाशाही के चलते सभी बातें और सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। आज ऐसा ही एक मामला बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में हुआ है, जिसमें एक गरीब महिला की प्याज के पैसे जो जमा हुए थे उसके सेविंग अकाउंट में, लेकिन बैंक अधिकारियों ने उसे रोक लिया है। अब उनके पास संकट खड़ा हो गया है कि वो उनके साथ में जो जिन्होंने प्याज बेची थी उन्हें पैसा कैसे दे। मेरे साथ मौजूद है वही एक महिला, मैं उनसे जानूंगा कि क्या है पूरा मामला और किस लिए वो आए थे यहाँ और क्या हुआ है पूरा वाक्या उनके साथ। आप बताएं, क्या नाम है आपका? राम कन्या। किस लिए आए थे आप? मैंने पैसे निकालने आए। कितने पैसे थे आपके? 76,000। किस लिए जमा हुए थे पैसे? प्याज के जमा हुए थे। क्या बोला है बैंक अधिकारियों ने? बैंक वाले साहब कह रहे ये पैसे जमा होंगे, नहीं निकाले। अच्छा, आपने पूछा उनसे क्यों नहीं जमा होने दे रहे? हाँ, के पहले के पैसे निकाले थे, ये जमा किए बने नहीं निकाले। अच्छा, कितना कैसे से लोन बाकी था आपका, कब लिया था आपने? मैंने 2013 में लिया था। अच्छा, पलटी की थी आपने? पलटी की थी 2017 में। अब आप क्या करेंगे? किस अब बैंक वाले दे नहीं रहे मेरे प्याज के, वो दूसरे फांती के हैं, उनको आते पैसे देने मेरे को। अभी क्या है आपके पास? अभी नहीं है मेरे पास। मेरे साथ इनका पुत्र भी मौजूद है, मैं उनसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। आप आइए इधर जी। क्या है पूरा मामला बताइए। ये बैंक वाले प्याज के पैसे नहीं निकाल रहे, निकालने आए थे, बोलते हैं कि नहीं निकालेंगे। प्रति क्विंटल प्याज के कितने पैसे होते हैं? 100 क्विंटल थे तो 74,000 आए थे। अच्छा, आप क्या कहना है बैंक अधिकारियों का? ये नहीं निकालेंगे, ये के लोन भरोगे नहीं तो। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? कोदली। जैसा कि आपने देखा कि बैंक अधिकारियों की तानाशाही रवैयों के कारण आम जन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या बैंक अधिकारी इन गरीबों की सुनते हैं या फिर वही इनकी तानाशाही चलती रहेगी। झाबुआ जिले की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए झाबुआ लाइव न्यूज़।